कि पंजाब ने जो जो तीन खेती कानूनों रद्द करने लिए लड़ाई शुरू की पंजाब मोहरी रहा पंजाब ने बाकी राज्यों नूं नाले लैके पूरे भारत नूं क्या पूरे विश्व ने साथ दिता इहदा ये जेड़ा लगभग पिछले एक साल तो जो दिल्ली के बरुआ से किसान मजदूरों वालों इतने संघर्ष किया जा रहा है उसके उपलक्ष में जेड़े अज मोदी जी ने यह तिने काले कानून वापस करने का जेड़ा तहिया किया है जेड़ा ऐलान किया है असी उसका स्वागत करते हैं लेकिन एम एस पी की गरंटी भी नाल होनी बहुत जरूरी है तीन काले खेती कानूनों रद्द करने की मांग को लेके अज पीएम मोदी वालों किए गए ऐलान को लेके किसानों के खुशी पाई जा रही है। लंबे समय तो किसान दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते संघर्ष कर रहे थे। अज धन धन श्री गुरु नानक देव जी के दे प्रकाश दिहाड़े ते पीएम मोदी वालों किए गए ऐलान को लेके किसान मजदूर एकता जथेबंदियों वालों की क्या जा रहा है आओ गलबात करते हैं कि उन्होंने कहना है इन्हों खेती कानूनों के ऐलान को लैके। हाँ जी साढ़े मौजूद ने छेठी शर्मा जी गल करते हैं। शर्मा जी अज जो पीएम मोदी वालों ऐलान किया गया तीन खेती कानूनों को लैके किवें देखते हो? अज पीएम नरेंद्र मोदी वालों जो सवेरे लाइव हो के जो तीन खेती कानून है उन्होंने रद्द कर संबंधी जो ऐलान किया वो वैसे तो बहुत वधिया ऐलान है क्योंकि 700 तो वध जिहड़ियां साडियां शहादतां हो चुकियां उन्हां शहादतां दा जिहड़ा मुल है अज पिया है पर उन्होंने एक एम एस पी की गरंटी बारे हजे क्लीयर नहीं किया उहदा की करदे आ पर जिहड़े तीन खेती कानूनों नूं रद्द करन दी गल कीती ऐलान किया है उहदा असीं स्वागत करते हैं वधिया गल है पर किते ना किते सानू इस चीज़ नूं जदों तक संसद च लिया के कार्रवाई तहत जिदा इन्होंने अज दस्सिया है कि असीं कैंसल नहीं कर देंदे ये कैंसल करनगे उदों ही आपां उठ के जिहड़ा बॉर्डर तो जां जिथे जिथे धरने साडे लगे ने उत्थों आपां हिलांगे और जिहड़ी अगली रणनीति आ उह अज जथेबंदियां दीआं मीटिंगां है वह मीटिंग तो बाद ही देखी जाएगी। अज वड्डे दिन दे उत्ते पीएम मोदी वल्लों ऐलान किया गया है तुसी की देखते हो कि ये इन्ना समा हो गया है अज तो पहला क्यों नहीं किया गया? किते ना किते इस गल नूं इन्हां नूं पता सी कि पंजाब ने जो जिहड़ा तीन खेती कानूनों नूं रद्द करने लिए लड़ाई शुरू की पंजाब मोहरी रहा पंजाब ने बाकी राज्यों नूं नाले लैके पूरे भारत नूं क्या पूरे विश्व ने साथ दिता इहदा पर अज पंजाबियों नूं श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े सब दे सांझे गुरु ने पीर ने उन्हां दे प्रकाश पुरब ते इन्हां ने एक जिहड़ा तोहफा ही कह लो लोगों आम लोगों जोड़न दे लई जिहड़ा ऐलान किया है वो ऐलान नूं असीं देखदे हां कि चलो ठीक है बहुत वधिया साडे लई वैसे ही बहुत वधिया दिहाड़ा सी गुरु नानक देव जी का पवित्र दिहाड़ा सारी दुनिया मना रही है असीं भी मना रहे हैं उस दिहाड़े ते जिहड़े तीन खेती काले कानूनों नूं रद्द करन दी गल कीती है ऐलान किया है वो बहुत वधिया ऐलान है असीं इहदा समर्थन स्वागत करते हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने श्री आनंदपुर साहब जथेबंदी के भी आगू ने इन्हों भी गलबात करांगे कि किवें देखते हैं जेडे प्रधानमंत्री वालों अज ऐलान किया गया। जी सर किवें देखते हो जेडे अज पीएम मोदी वालों ऐलान ये जेड़ा लगभग पिछले एक साल तो जो दिल्ली के बरुआ से किसान मजदूर वालों एक संघर्ष किया जा रहा है उसके उपलक्ष में जेडे अज मोदी जी ने यह तिने काले कानून वापस करने का जिहड़ा तहिया किया है जिहड़ा ऐलान किया है असी उसका स्वागत करते हैं लेकिन एम एस पी की गरंटी भी नाल होनी बहुत जरूरी है तो मैं बेनती करूँगा मोदी जी ने आप जी के थ्रू कि वह एम एस पी की पक्की गरंटी के कानून बना के तिने काले कानूनों वापस करने का संसद के अपना पास बिल पास करके पंजाब और हिंदुस्तान के जिहड़े किसानों ने ये जो मोर्चा आरंभ किया है उन्हों ते विराम ला देन तां कि लोग खुशी खुशी अपने घर आके अपने परिवार नाल बैठ सकन अते अपने पूरे परिवार दे नाल खुशी का इजहार कर सकन। जी सर की नाम है जी? मेरा नाम जगजीत सिंह जी। किवें देखते हो जिहड़ा अज पीएम मोदी वल्लों ऐलान? चलो लग्गिया तां सानूं बहुत वधिया है पर जदों तक कि संसद दे विच पास नहीं हो जाता उदों तक आपां विश्वास ही कीता जा सकदा ते असीं नाल ये चाहते हैं जब तक एम एस पी दे कानून नहीं बनता पूरे हिंदुस्तान के किसानों नूं अपना हक नहीं मिलता पूरे उदों तक ये किसान पिछे नहीं हटणगे ये मोदी साहब नूं भी वो एम एस पी भी कानून जरूर बना देना चाहिए। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
अपना नाम की सर जगजीत सिंह जगजीत जी जेड़ा किसानों वालों धरना लाया गया है कि तुसी की देखते हो हुण ऐलान तो बाद दिल्ली के बॉर्डर खाली कर दिते नहीं 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 बिल्कुल नहीं जी जदों तक सदन के पास नहीं होता नाले एम एस पी की गरंटी नहीं मिल जाती क्योंकि असं यह नहीं चाहते भी पंजाब वाले ज हमारे हरियाणा जिन मिलती है एम एस पी भी उठ के आन बाकी सारा देश किसान उत्थे भुखे मरन ये जदों सारे किसानों को अपना हक नहीं मिलता अभी सारे एकजुट है पूरा हिंदुस्तान एकजुट है सारे किसान एकजुट है बाकी दूजी है जिदण दा धरना आपां बंद कीता उदण दे आपां उत्थे ही 24 घंटे ते जद तक हुण इह कानून पास नहीं हुंदे उदण जद तक आपां संघर्ष पूरा लड़ांगे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭੰਜ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀ ਇੰਦੌਰੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ बस यही कहना चाहते जेडे ये बिल जो माफ हो जी बहुत वधिया हो क्योंकि किसान बहुत अपने टाइम तो धरने पर बैठे थे बहुत खुशी हुई है जी बस जी जिथे किसानों के खेती कानूनों नू पीएम मोदी वालों रद्द करन दा ऐलान किया गया है उत्थे ही किते ना किते एम एस पी की गरंटी नू भी लैके किसान अजे भी चिंतित ने क्योंकि जदों तक ये बिलों का मता पार्लीमेंट लिया के रद्द नहीं किया जाता तद तक उन्होंने विश्वास नहीं है हुण देखना यह होएगा कि किसानों की जित कदों ये खुशी दे विच तब्दील हुंदी है जदों इनू पार्लीमेंट लिया के टोटल रूप दे विच रद्द किया जाता है कैमरा परसन मनोज कुमार दे नाल मैं सुपिंदर जज्जी NRTV श्री आनंदपुर साहब।